अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस रायपुर मंडल द्वारा चरोदा के सांस्कृतिक भवन में महिला दिवस व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार एवं SECR महिला संगठन की प्रमुख श्रीमती मेघा एस कुमार शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के तत्वावधान में चरोदा के सांस्कृतिक भवन में महिला दिवस व सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महिला संगठन की प्रमुख श्रीमती मेघा एस कुमार शामिल हुए। वही वरिष्ठ अतिथि के रूप में वरिष्ठ मंगल कार्मिक अधिकारी श्री उदय कुमार भारती, BM शाह हॉस्पिटल की डॉक्टर लीजो डेनियल, डॉक्टर प्रियंका सहित इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियन के खिलाड़ियों एवं रेलवे की महिलाएं अधिकारी शामिल रही। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति यहां पर देखने को मिली। आयोजन को सफलतापूर्वक करने में मजदूर कांग्रेस के समन्वयक डी विजय कुमार एवं उनकी पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। इस आयोजन में महिलाओं का सम्मान लॉटरी के माध्यम से शामिल अतिथियों के द्वारा किया गया। साथ ही पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों का भी हौसला अफजाई यहां पर की गई, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। आयोजन को लेकर शामिल अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, महिला जो है एक जैसे गाड़ी का पहिया, दो पहिए की गाड़ी का एक पहिया महिला है तो एक पहिया पुरुष है। जब तक ये दोनों में समन्वय संतुलन नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हम सब रेल कर्मी हैं तो जैसा कि पता है कि रेलवे में एक इंजन की गाड़ी होती है और एक दो इंजन की गाड़ी होती है। तो दो इंजन की गाड़ी को हम बोलते हैं राइट पावर्ड गाड़ी है। तो दो इंजन की गाड़ी हमेशा तेज चलती है और कभी फेल नहीं होती है। तो वही संदेश, वही जो हम अपने काम में करते हैं, वही संदेश आज एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मैं सबको देना चाहूँगा कि महिलाओं का योगदान, भागीदारी हर कार्य क्षेत्र में, सरकारी गैर सरकारी, घर में, बाहर, समाज में, जब तक वो नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी की तरक्की नहीं कर पाएगा। और इस तरक्की को और आगे करने के लिए महिलाओं का भागीदारी को बढ़ाना अति आवश्यक है। तो इसी सिलसिले में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रेल परिवार की तमाम रेलकर्मी महिलाएं, उनके परिवार की अन्य महिलाएं यहाँ पर आई हैं और आज इसमें हमने कई वक्ताओं को सुना। हमारे बीच में यहाँ हॉस्पिटल से कई डॉक्टर्स भी आईं। बच्चों ने कराटे का प्रदर्शन कर कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाए सब दिखाया गया। और ये सब जो है हमारे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के आयोजन किया गया। इसके लिए मैं SERMC के DC श्री विजय कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि मैंने अपने भाषण में कहा था, स्ट्रॉन्ग वुमेन, उसके पीछे मेन बहुत ज़रूरी होता है, जिसको स्ट्रांगली सपोर्ट करो, बीट फादर, बीट हस्बैंड, बीट ब्रदर, एनी बडी, जो उनको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं वो बहुत स्ट्रांग एक फैमिली रेज करेंगे। लेडीज़ को भी आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, उसी में हमारा बहुत ज़्यादा उत्थान हो सकता है। फिर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कही थी, फिनेंशियली लेडीज़ को फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हर अभी तक तो पहले ये था कि भाई घर में रह कर के काम कर रहे हैं, लेकिन घर में भी अगर रह कर के काम कर रहे हैं तो घर के जो फाइनेंसेस हैं उसमें तो हेल्प कर ही रही हैं कोई भी लेडीज़। अब आज की डेट में अगर वो नौकरी करने भी निकलती हैं तो भी वो फिनेंशियली अपने फैमिली को स्ट्रांग करती हैं, वो अपने नेशन को स्ट्रांग करती हैं। एजुकेशन, वो भी बहुत ज़रूरी है। जितना हम लड़कियों को एजुकेट करेंगे, आज की तारीख में गांव में अभी भी लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाता। मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए।
उनको एजुकेट करिए, बहुत अच्छे से आगे पढ़ाइए, आगे अच्छे जहाँ पे उनको जिस फील्ड में जाना है उनको जाने देना चाहिए। जब बच्चा अपने मन के फील्ड में जाएगा वही बहुत अच्छा कर पाए। ऐसी लड़कियों के लिए भी जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं बिल्कुल जाएं। उनको पेरेंट्स के साइड से बहुत सपोर्ट होना चाहिए, पेरेंटल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। वो होगा आगे लड़की आगे निकलेगी, उसी से लड़कियों का उत्थान बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है होली का चलते 8 तारीख को नहीं कर पाया, तो 11 तारीख को आज हम लोग बहुत भव्य रूप से कार्यक्रम हुआ है। तो इसमें जो बहुत गणमान्य लोग आया है, महिला लोग, जो डॉक्टर्स स्पर्श डॉक्टर स्पर्श हॉस्पिटल से और बीएम शाह से, रेलवे का बहुत डीआरएम साहब, सैक्रो का अध्यक्ष मैडम, सभी आया, बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। और सेल्फ डिफेंस के बारे में जो कराटे का जो शिक्षा भी कैसा होता है दिखाया था, ये सभी मैं चरोदा रेलवे कर्मचारी के साथ में और पूरा चरोदा भिलाई का नगरवासियों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो महत्वपूर्ण लोग जो अच्छा अच्छा जो बातें बोली हैं और महिला किस तरीके से आगे बढ़ना है वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मैं बहुत खुशी हो रही है, ये मजदूर कांग्रेस होते 7वां बार हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद जितना भी लोग हैं उन सभी को। मैं बहरहाल मजदूर कांग्रेस रायपुर मंडल के तत्वावधान में आयोजित ये कार्यक्रम बीते 8 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।